अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स, एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे के हवाले से अहम तरीन खबर जो कि सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें वफाकी हुकूमत ने बजट के हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी कर दी हैं। ग्रेड 1 से 10 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में यकमुश्त 6,000 रुपये तक इजाफा करने के साथ साथ यूटिलिटी अलाउंस देने की भी सिफारिश कर दी है, जबकि ग्रेड 11 से 15 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 8,000 रुपये तक इजाफा करके उनके साथ साथ यूटिलिटी अलाउंस देने की भी सिफारिश कर दी है। ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की सिफारिशात, तमाम सूबाई हुकूमतों को इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की जाएगी। बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन जो कि पंजाब के साथ साथ KP के सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वफाक से रखते हैं, तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने बजट के हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी कर दी हैं। ये सबसे पहली खबर है जो कि बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन के हवाले से दी जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर जो वायरल होती चली जा रही है, जिसमें कहा गया है कि 1 से 10 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन को यकमुश्त जो है वो 6,000 रुपये इजाफा दिया जाएगा और उसके साथ यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रेड 11 से 15 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 8,000 रुपये तक इजाफा किया जाएगा और साथ साथ यूटिलिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। ग्रेड 16 के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके ऊपर के जो अफसरान होते हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की सिफारशात तमाम सूबाई हुकूमतों को अरसाल कर दी हैं। ये कहना है हाजी वली रहमान साहब का। आपको बताता चलूँ कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो तहरीकें चल रही हैं उस हवाले से अगर ये फैसला होता है तो बहुत बड़ा और तारीखी फैसला होगा। अगर किसी भी ग्रेड 1 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 6,000 रुपये इजाफा हो जाएगा और उसके साथ उसको 3 या 4,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस मिल जाए, तो कम अज़ कम 9-10 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह में तारीखी इजाफा होगा और इससे तहरीकी इंसाफ की हुकूमत के यकीनन जो लोगों के दिलों में है घर करने में कामयाब हो जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आई तो वो भी आपके साथ इस चैनल के ज़रिए शेयर की जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।